मैं लखनऊ रहता हूँ अपने परिवार के साथ में। मेरी पैतृक जमीन है गांव में जो मेन रोड पे है, जिसमें मेरे पिताजी का भी हिस्सा है, जिसमें दबंग लोग जो है उस पर निर्माण कर रहे थे। तो हमने SDM साहब से दीपावली के पहले आदेश करवाया था कि इसमें जो है सुलह समझौता से इसको जब तक ना हो जाता है तब तक इसको रुकवा दीजिए, काम रुक गया। तो उसके बाद में मेरा एक दीवानी में भी उस ज़मीन पर मैटर चल रहा है। इन्होंने ज़बरदस्ती जो है बनाने का काम स्टार्ट किया अपने बहुत सारे दबंग लोगों को लेकर के, लगभग 400 लोग थे उसमें। तो मुझे जब पिता और मेरे पिताजी को घर पे पत्थर मार करके घायल करने की कोशिश की, गाली गलौज किया उनके, मुझे पिताजी ने और माताजी ने मुझे सूचित किया। तो मैं लखनऊ से निकला तो मुझे जानकारी नहीं थी कि वो लोग मुझे तुरंत रास्ते में कहीं रोक के, मैं जैसे ही गांव से 100 मीटर अपने घर से पहुंचा तो उन्होंने, इनके साथ में जो भी लोग थे 10-12 लोग थे, उन्होंने मुझे घेर के ही मारना शुरू कर दिया। उसके बाद में मेरा भाई पीछे से आ गया, उसको भी उन्होंने मारा। दोनों लोगों को बचाने के लिए माता जी आई, उनको भी मारा। ये हमारे मंडल के उपाध्यक्ष हैं, भरावन मंडल है हमारा, एक इकाई है भारतीय जनता पार्टी के, उसके उपाध्यक्ष हैं। इनका जमीन का एक विवाद है तो वो लोग आपस के ही, लेकिन वो किसान यूनियन के बैनर में इनको दबाव में ले लेते हैं, पुलिस को दबाव में लेते हैं। उन्होंने इन लोगों को बहुत मारा, पुलिस पर दबाव और ऊपर से इन पर ही उल्टा केस बनवाने का कराया, लेकिन चूंकि हम लोगों की सक्रियता से उल्टा केस इन पर नहीं बन पाया। लेकिन इनको, इनकी माता जी को, इनके भाई को बहुत चोटें आई हैं। इसी तरह मैं रात कल 12 बजे इनको देखने आया था, आज भी देखने आया हूँ। जो कार्यकर्ता का मनोबल ना डाउन हो, उसको लगे कि उसके परिवार के लोग उसके साथ हैं, उसके दल के लोग उसके साथ हैं, इसलिए मैं आया, सीमत से बात की, इनके इलाज में कोई कोताही ना हो, इनको देखें। बस इतना है कि इनका मनोबल